जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस यानी कि जो आपका विश्व मापकी दिवस होता है वह हमारा कब मनाया जाता है। तो यह दिवस हर साल मनाया जाता है 20 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब इस दिवस के बारे में आपको ये याद रखना है कि 1875 की बात है, इसी दिन हमारा एक मीटर कन्वेंशन हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहां पर 17 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो इसीलिए हर साल ये 20 मई को मनाया जाता है। इस बार का विषय क्या है? तो मेजरमेंट फॉर हेल्थ, ये इस बार का विषय है। अच्छा, जिस संस्था के द्वारा इसको मनाए जाने की शुरुआत की गई थी उस संस्था के बारे में भी थोड़ा सा याद रखिए। तो संस्था का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिल जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी के ऊपर आज भी आपको मेरी दो क्लासेस मिलेंगी। 3:30 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें हम लोग ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका सेट नंबर होगा 44। तो अगर आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 10:00 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें हम लोग ग्रुप डी में जो आपके फिजिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोनों क्लासों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे तो गोल अपना चूज करिएगा रेलवे, और वहाँ पर आपको इनरोल करते समय कोड यूज कर लेना है KB10, और उसके बाद में आप यहाँ पर सारी फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17 मई से अनअकैडमी के ऊपर हमारे रेलवे कैटेगरी में बहुत सारे नए कोर्सेज की शुरुआत हुई है। तो अगर आप आने वाले समय में हिंदी माध्यम में CBT 2 या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स शुरू हुआ है। तो इसमें आप लोग चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। बस सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10, इससे आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और एक साल की जो फीस है वह 3000 रुपये है, और इसमें भी आपको कोड यूज करने के बाद में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है उन्होंने एक नए विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम लोग वर्तमान में बात करते हैं तो हमारे देश में कुल मिलाकर के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। तो जैसे हमारे केंद्र में एक आपका लोकसभा होता है, दूसरी होती है राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्यों में भी आपको विधान परिषद देखने को मिलती है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, किसी राज्य के विधानसभा में जितने मेंबर होंगे उसका होता है 1/3। कितना होता है? 1/3 इनके सदस्यों की संख्या होती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान दिया गया है, यानी कि 169 में ये प्रावधान है कि संसद अगर चाहे तो किसी राज्य में नए विधानसभा का निर्माण कर सकती है। तो अभी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। अब आपको याद रखना है कि देश में कुल 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको विधानसभा के साथ विधान परिषद मिलेगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और है आंध्र प्रदेश। अच्छा, कई जगह आपने पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो राज्य सरकार है उन्होंने इसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अभी हमारे संसद से इसको मंजूरी नहीं मिली है। जब संसद से मंजूरी मिल जाएगी तो यहाँ पर विधान परिषद हो जाएगी समाप्त। तो वर्तमान में 6 राज्यों में है और अब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश में आयोजित किए जाने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया? तो 2021 का जो एशिया कप है ये श्रीलंका में आयोजित किया जाना था, तो अभी COVID-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको स्थगित किया गया है, इसको सस्पेंड नहीं किया गया है, बस इसको पोस्टपोन कर दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। तो याद रखेंगे आप लोग, 2022 में जो एशिया कप होगा वह पाकिस्तान में प्रस्तावित है, तो ये अभी स्थगित नहीं हुआ है। बाकी अगर हम एशिया कप टूर्नामेंट की बात करते हैं तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ यह एक टूर्नामेंट होता है। 1984 में पहली बार ये खेला गया था UAE में, और अभी तक सबसे ज़्यादा बार भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है। अच्छा, 2018 में कहाँ पर हुआ था? तो UAE में 2018 में हुआ था, और इसको भी जीता था हमारे देश भारत ने। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष
विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करते हैं तो ये हर साल मनाया जाता है 20 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल स्लोवेनिया के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यहाँ पर एंटोन जांसा। क्या नाम था? इनका नाम था एंटोन जांसा। तो 20 मई के दिन इनका जन्म हुआ था और इसी जन्म को चिन्हित करने के लिए हर साल 20 मई को ये मनाया जाता है। दरअसल जो आपका मधुमक्खी पालन है उसकी शुरुआत एंटोन जांसा के द्वारा ही की गई थी। तो स्लोवेनिया ने प्रस्ताव दिया था हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और उसके बाद में दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस बार का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर पीस, ये इस बार का विषय है। अच्छा, हमारे देश में एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड, तो उसके द्वारा भी मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। कब ये होता है? तो ये होता है 5 दिसंबर को। तो नागालैंड राज्य के द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस की जगह पर यहाँ पर अपने राज्य में एक मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मई 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के हेरिटेज साइट की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया? तो हमारे देश के कुल मिलाकर के 6 ऐसे स्थल हैं जिनको अभी यूनेस्को के हेरिटेज साइट की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्श्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि टेंटेटिव लिस्ट होती क्या है? तो आपको याद रखना है कि यूनेस्को के द्वारा किसी भी देश के जो भी स्मारक होते हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। तो उस पार्टिकुलर कंट्री के द्वारा कुछ ऐसे स्थल होते हैं जिनको रिकमेंड किया जाता है कि इनको भी आप दर्जा दे सकते हैं। तो उसके लिए जो उस पार्टिकुलर देश के द्वारा सूची दी जाती है उसमें जो हमारे स्मारक शामिल होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट। तो अभी जो हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा टोटल 9 स्मारकों की सूची भेजी गई थी जिनमें से 6 को यूनेस्को ने यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको याद रखना है कि अभी तक हमारे देश में टोटल इनकी संख्या थी 42 जो कि अब बढ़ करके हो गई है 48। अच्छा, यूनेस्को के हेरिटेज कितने हैं? तो उनकी संख्या हमारे देश में है टोटल कुल मिलाकर के 38, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अभी यहाँ पर 6 आपके नए लिस्ट भेजे गए हैं उनमें एक आपका है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो कि आपका महाराष्ट्र में है, दूसरा है कांचीपुरम के मंदिर जो कि आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, इसी प्रकार से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, हीरे बेंगाल मेगालिथिक साइट ये आपको कर्नाटका में मिलेगी, भेड़ा घाट लमेटा घाट जो कि आपको नर्मदा वैली में मिलेगी मध्य प्रदेश में, इसको भी भेजा गया है, और उत्तर प्रदेश में जो आपके गंगा घाट है वाराणसी में इनको भी शामिल करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो ध्यान रखिएगा टोटल इनकी संख्या है 6। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूनेस्को के स्थल किस देश में हैं? तो इनकी संख्या आपको इटली और चीन में सर्वाधिक मिलेगी जहाँ के टोटल 55 साइट को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में यूएलए ने किस देश के स्पेस फोर्स के लिए SBRIS Geo-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो स्पेस फोर्स आपको सिर्फ एक ही देश में मिलेगी जो कि एक्टिव है और वह देश है यहाँ पर अमेरिका, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो यूएलए की बात करते हैं तो इसका नाम है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। तो इसके द्वारा अभी अमेरिका की जो स्पेस फोर्स है उसके लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये आपकी जो सैटेलाइट होगी इसके द्वारा मुख्य रूप से अगर कोई मिसाइल अमेरिका की तरफ बढ़ती है तो उसके बारे में सूचना यहाँ पर दी जाएगी। अच्छा, फुल फॉर्म थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फुल फॉर्म इसका है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5। तो ये अभी इसका 5वां सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया गया है। टोटल यहाँ पर 6 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की अमेरिका की योजना है। सैटेलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व की जो सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है लॉकहीड मार्टिन उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका की जो स्पेस फोर्स है इसमें जो भी सैनिक शामिल होते हैं उनको कहा जाता है गार्जियंस। क्या कहा जाता है? इन सैनिकों को गार्जियंस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में मोनास विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के किसने फेक वेस्टर्न नामक एक डिटेक्टर विकसित किया है? तो ये विकसित किया है यहाँ पर पंजाब के IIT रोपण ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका है क्या? तो ध्यान रखिएगा
इस समय COVID-19 के कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारी वर्चुअल मीटिंग होती हैं। अब कुछ चोर टाइप के लोग होते हैं जो इस वर्चुअल मीटिंग में सेधमारी कर देते हैं, यानी कि वह यहाँ पर गुपचुप तरीके से सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं और किसी व्यक्ति के चेहरे के स्थान पर यहाँ पर आकर के इंटर हो जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के जो धोखेबाजी होती है ऑनलाइन मीटिंग में, उसको रोकने के लिए यहाँ पर IIT रोपण ने इसको विकसित किया है जिसका नाम है फेक बस्टर। तो इन्हीं के बारे में ये पता लगाएगा। तो ध्यान रखिएगा, IIT रोपण ने ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर के इसको विकसित किया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस कंपनी के द्वारा भारत में वीराजेन COVID-19 टेस्ट किट को लॉन्च किया गया? तो ये जो टेस्ट किट है उसे लॉन्च किया है सिप्ला कंपनी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, सिप्ला कंपनी ने इसे लॉन्च किया है और भारत में जो UBO बायोटेक्नोलॉजी है उसके द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। तो RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चैन रिएक्शन के ऊपर ये आधारित है और इससे जो COVID-19 का जीन होता है उसको पहचान करने में मदद मिलेगी। तो सिप्ला ने इसको अभी लॉन्च कर दिया है और UBO बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भारत में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंसरटेक मार्केट में किस स्थान पर रहा है? तो हमारा देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर मामला है क्या? तो देखिए, जो विभिन्न देशों में इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं या फिर जो आपके इंश्योरेंस से जुड़े हुए स्टार्टअप होते हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, यानी कि टोटल उनका वेंचर कैपिटल कितना है, उसके आधार पर यहाँ पर S&P के द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया गया है। इंसर का मतलब होता है इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो आपकी कंपनियां हैं। तो चीन यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है और टोटल जो वेंचर कैपिटल है उसके 35% के साथ में हमारा देश भारत इसमें रहा है दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहा है। और आपको याद रखना है कि जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है उसमें हमारा देश रहा है तीसरे स्थान पे, यानी कि जो आपके नए कंपनियां खुलती हैं उनमें हमारा देश दुनिया में है तीसरे स्थान पे। अच्छा, स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो विकास दर होती है उसको भी प्रोजेक्ट किया जाता है। तो भारत की विकास दर इन्होंने कहा है कि 2021-22 में 11% रहने वाली है। जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये आपके राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के ये नेता थे और अभी 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो 80-81 के दौरान ये आपके कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री रहते राजस्थान के, उसके बाद में हरियाणा और बिहार के ये राज्यपाल भी रहे थे, तो अभी इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर यहाँ पर अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर रहा है चाइना और इन दोनों के बाद में हमारा देश रहा है तीसरे स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो अर्नेस्ट एंग ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा 40 देशों के आधार पर अभी एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आपकी अच्छे ऊर्जा होती है उसको कौन सा देश सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका पहले, चीन दूसरे और भारत रहा है तीसरे स्थान पर। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार हमारे देश में जो अच्छे ऊर्जा का उत्पादन है वह पिछले साल 50% तक घट गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छे ऊर्जा की बात हुई है तो भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2022 तक हम लोग टोटल 175 गीगावाट अच्छे ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और 2030 तक 450 गीगावाट अच्छे ऊर्जा का उत्पादन हमारे द्वारा किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, तो इस प्रकार से जो आपके प्रश्न थे उनको हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। अब आइए कल के जो हमारे प्रश्न थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है नीरजा भनोट। ध्यान रखिएगा, नीरजा भनोट हमारी पहली महिला है जिनको अशोक चक्र मिला है। यूनाइटेड नेशन में पहली भारतीय महिला राजदूत कौन थी? तो इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी पंडित इनका नाम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है आशा पूर्णा देवी, जो कि हमारी बंगाली भाषा की एक लेखिका थी। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी।
अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू कब हुआ था? तो 1965 में ये शुरू हुआ था। पहली बार किसको दिया गया था? तो मलयालम भाषा के एक हमारे कवि थे जिनका नाम था GS ग्रुप, उनको दिया गया था। 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसको दिया गया है? तो वह भी दिया गया है मलयालम भाषा के एक कवि अक्कीतम अच्युथन नम्बूदरी साहब को, जिनका पिछले साल निधन हुआ था। भारतीय सेना में पहली महिला जवान कौन थी? तो इनका नाम था शांति तिग्गा। और भारत में महिलाओं के लिए जो पहला कोर्ट खोला गया ये आपके पश्चिम बंगाल के मालदा में खोला गया था। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि हमारे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आपको दो क्लासिकल डांस देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपको दो न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। WHO के अनुसार विश्व से जो बीमारियां आपकी समाप्त हो चुकी हैं उनकी संख्या टोटल दो है, तो इन दो बीमारियों का नाम क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष पोलियो फ्री घोषित हुआ था। और आखिरी प्रश्न है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति हमारे यहाँ पर किस डांस से संबंधित हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 2021 में जितनी भी आपकी नियुक्तियाँ हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।